मनुस्मृति को जलाते हुए इस लड़की की वीडियो आपके फोन स्क्रीन तक आ गई होगी। आपने उस वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा, ये लिखकर कि ये लड़की अंबेडकरवादी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, ये लड़की मनुस्मृति को जला रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसी तमाम चीजें आपने लिखी होंगी और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे शेयर किया होगा इस वीडियो को। देखिए, मैं भी मानता हूं कि मनुस्मृति को जलाकर ये अच्छा काम कर रही है, मनुस्मृति का बहिष्कार कर रही है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये अंबेडकरवादी है ये मैं नहीं मानता। कोई लड़की जो सिगरेट पी रही हो, कोई लड़की जो अंबेडकरवाद की छवि को धूमिल कर रही हो, वो तो अंबेडकरवादी नहीं हो सकती, मैं उसे अंबेडकरवादी नहीं मानता। इसीलिए आपको भी इसे अंबेडकरवादी नहीं मानना चाहिए। आप इस लड़की को कह रहे हैं लड़की बहुत शक्तिशाली है, लड़की अच्छा काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो सब ठीक है, लेकिन ये लड़की अंबेडकरवादी है ये तो मैं नहीं मानता। हमारे एक साथी ने, मुकेश मोहन, जो द अंबेडकर राइट के फाउंडर है, उन्होंने भी अपने एक वीडियो में कहा, एक अंबेडकरवादी लड़की ने एक वीडियो बनाया और उसमें वो एक अपने कढ़ाई में वो चिकन बना रही है, सिगरेट पी रही है और मनुस्मृति को जला रही है। लड़की की उसमें वाहवाही कही गई मुकेश मोहन जी द्वारा। देखिए, वो मनुस्मृति को जला रही है तो बिल्कुल अच्छी बात है, जलाना भी चाहिए। बाबा साहब ने भी जलाया था 25 दिसंबर 1927 को, तो इसलिए हमें भी जलाना चाहिए। और रही बात सिर्फ इसलिए भी नहीं जलाना चाहिए कि अंबेडकर जी ने जलाया था। मनुस्मृति में कुछ चीजें ऐसी लिखी गई हैं जो हित में नहीं है, जनता के, समाज के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में नहीं है, इसीलिए मनुस्मृति का बहिष्कार हम लोग करते हैं, ना कि इसलिए कि अंबेडकर जी ने जलाया था, इसलिए हम लोग मनुस्मृति का बहिष्कार करते हैं। दूसरी चीज ये, अगर आप बुद्धिज्म को मानते हैं, अंबेडकरिज्म को मानते हैं, तो बुद्धिज्म में जो पंचशील है उसकी जो पहली लाइन है कि पढ़ाति पाता वे रमणी सिक्खा पदम समाध्यामी, इसका मतलब यही हुआ कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। और उसमें आप वीडियो में देख सकते हैं वो चिकन बना रही, यानी किसी मुर्गे की हत्या उसने की। खैर, दूसरी चीज लाइन ये है, पंचशील की लाइन है ये, पांचवी लाइन, कि सूरा मेराया मज्जा पमाद ठाना वे रमणीय सिक्खा पदम समाध्यामी, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी तरह का जो टॉक्सिक पदार्थ है, यानी जहरीला, यानी नशे वाला जो पदार्थ है, उसका सेवन नहीं करेंगे। वो लड़की सिगरेट पी रही है, इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं वो बुद्धिज्म की धज्जियां उड़ा ही रही है, साथ ही साथ अंबेडकरवाद की भी धज्जियां उड़ा रही है। मनुस्मृति को जलाकर वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन अंबेडकरवाद का और बुद्धिज्म का जो धज्जियां उड़ा रही है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरे लोग यही सोचेंगे ना कि जो अंबेडकरवादी होते हैं वो सिगरेट पीते हैं, जो अंबेडकरवादी होते हैं वो चिकन खाते हैं, ऐसा तो है नहीं, लेकिन दूसरे लोग यही सोचेंगे, इसलिए आपको उस वीडियो को शेयर नहीं करना है। खैर, ये इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मनुस्मृति के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और मेरे इस विचार पर आपकी क्या राय है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अर्नब, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।